बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। लालू के बेटे और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, तेजस्वी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है, उन पर लगे आरोपों पर देश को जवाब चाहिए, बिहार की जनता को जवाब चाहिए, लेकिन तेजस्वी जवाब देने के बजाय अपने बॉडीगार्ड्स कम गुंडों से किस तरह से मीडिया कर्मियों को पटना के सचिवालय में पिटवाते हुए नजर आए, उसकी ये तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव के बॉडीगार्ड्स, जिन्हें आप गुंडे ही कहेंगे, वो किस तरह से मीडिया कर्मियों से उलझ गए और पूरी तरह से पिटाई करते हुए नजर आए, उसकी ये तस्वीरें। मीडिया सिर्फ तेजस्वी यादव से जवाब लेकर जनता को देना चाहती थी। किस तरह से मीडिया को मारना, कहां की कहां का इंसाफ है, कौन सी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के बॉडीगार्ड्स कम गुंडे सवाल पूछने पर मीडिया की पिटाई कर देते। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी मूंछ भी नहीं थी और आप मुझ पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, अब दाढ़ी मूंछ आ गई है तो सवाल पूछने पर मीडिया को पिटवाएंगे। कि और ज्यादा तरह से धारदार तरह से मीडिया अपने सवाल पूछे, क्योंकि सवालों से पीछे मीडिया हटने वाला नहीं है, भले ही तेजस्वी यादव के जो गुंडे हैं वो गुंडई पर उतारू हो जाए। मीडिया के साथ जिस तरह की जो मारपीट हुई है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार में डेप्यूटी सीएम है, क्या ऐसे डेप्यूटी सीएम ऐसे गार्ड्स को होना चाहिए सत्ता में जो सवाल पूछने पर मारपीट करते हैं? आपको लगता है अभी तेजस्वी यादव को इस तरह से कैबिनेट में और इतना जो अहम पद है उस पर बने रहना चाहिए? वो कहते हैं मेरी मूंछ नहीं थी और आप मुझ पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, अब दाढ़ी मूंछ है तो मीडिया से मारपीट होगी सर सवाल पूछने पर। इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये पूरे नीतीश कुमार सरकार को शर्मसार करती। हम तो सबसे सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी पलट करके इस तरह की बदतमीजी सामने नहीं आती जो आज मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई तक पहुंच गई। नीतीश कुमार को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, हो सकता है अब तक तो उन्होंने तस्वीरें देख भी ली होंगी। पटना के सचिवालय के भीतर आप देखिए, ये मीडिया कर्मी है और वो सुरक्षा कर्मी है जो उन्हें पीट रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षा कर्मी कहने पर भी सवाल उठने चाहिए, तेजस्वी यादव के ये बॉडीगार्ड्स जो गुंडई पर उतर आए और सिर्फ सवाल पूछने पर मारपीट।